तो भाई लोग जब दमन आया था तो पूरी इंटरनेट में खेल गया था कि यार दमन ऐसा मूवी है, ऐसा वैसा मूवी है। तो लेकिन जो है सारे रिव्यूर्स है, जो यूट्यूब के रिव्यूर्स है, सभी ने रिव्यू वीडियो बनाया था, लेकिन कुछ रिव्यू थे जैसे कि हमारे योगी बोलता है, आरजे रौनक, पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, ये वगैरह वगैरह, देसी नॉड, ये सब नहीं बनाए थे। लेकिन कल ही सुबह सुबह आरजे रौनक ने बना दिया, दमन के रिव्यू बना दिया और सारे पॉजिटिव रिव्यू था कि 95 लाख की मूवी कैसे धमाल मचा दिया। और बस हमारे जो इंतज़ार था वो पीजे एक्सप्लेन भाई का, इनका जो रिव्यू वीडियो है बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि देखो योगी बोलता है, उनका जो रिव्यू होता है काफ़ी यूनिक होता है, क्योंकि वो मूवी में जो आप देख नहीं सकते वो लोग वो सब निकाल देते हैं, क्योंकि वो डीप तरह मूवी को अच्छे से समझते हैं। और बात करें अगर मूवी की रिव्यू कब आएगा पीजे एक्सप्लेन और योगी बोलता है, तो योगी बोलते हैं जो है इनके जो है थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, वो खुद ट्वीट करके बोले थे, आप जाके पढ़ भी सकते हैं, देख सकते हैं, और वहाँ भी इनके थिएटर नहीं लगाए और जहाँ लगाए 600-700 किलोमीटर दूर। अब देखो 600-700 किलोमीटर दूर जाके देखना आसान नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है। और वैसे ही उनका तबीयत ख़राब चल रहा है, वो ट्वीट किए थे, और उनका क्या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन वो बहुत जल्दी इनका आएगा, क्योंकि जब हिंदी वर्जन में आएगा तो उनके वहाँ लग जाएगा, और जब उनके वहाँ लगेगा तो योगी बोलता है, पीजे एक्सप्लेन, बीएनएफ टीवी, तो ये सारे रिव्यू करेंगे, क्योंकि अब इन्हीं लोगों कुछ 3-4 कुछ बड़े बड़े रिव्यू करने वाले वो बाकी है, बस वो कर देंगे तो भाई और भी मज़ा आ जाएगा देखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा लगता है कि एक बड़े बड़े रिव्यू चैनल रिव्यू करें, सूरज कुमार, फिल्म इंडियन, जितने भी बड़े बड़े सारे हैं वो सब करते हैं, अच्छा लगता है कहीं ना कहीं खुद के इंडस्ट्री के बारे में सुनना है, देखना। तो मेरे हिसाब से पीजे एक्सप्लेन का भी बहुत जल्दी आने वाला है, बस इंतज़ार।